हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप भी हम पीने लगे हैं चाय शाम की, तो हमने सोचा कोई छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं चाय पीते पीते। आजकल एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है मम्मी और मेरे साथ, जो मुझे लगा मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए, जो कि आप लोगों से ही रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि पहले हमारी लाइफ में समस्या होती थी, माता जी लेटी हुई हैं, लेटे लेटे हेलो कर दो। हेलो, तो मैं ही बात कर लेती हूँ आपसे, चाय आएगी तो मम्मी उठ जाएंगी। तो पहले हमारी समस्या होती थी जो हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि आज खाने में क्या बनाएं, दोपहर को क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं, घर में गेस्ट आने वाले हैं उस दिन क्या बनाएं। अब वो समस्या हमारी कुछ हद तक कम हो गई है और नई समस्या ये बन गई है कि व्लॉग में क्या बनाएं, आज व्लॉग में कौन सा टॉपिक होना चाहिए, आज व्लॉग किस चीज़ पर बनाएं। तो कभी कभी जैसे हमको खाने की चीज़ें समझ नहीं आती ना, हम ब्लैंक हो जाते हैं कि कल हमने ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, सब सब्जियाँ बना लिया, अब क्या बनाएं। अब हमारा भी वही हाल हो गया है कि हमने उस टॉपिक को भी कवर कर लिया, हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया, तो अब हम किस चीज़ टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मम्मी तो इनफैक्ट इतनी ज़्यादा सोच सोच के थक गई हैं कि वो लेट ही गई हैं उनका जो सर घूमने लग गया था, उनको लगा कि मैं तो सोच नहीं पा रही, तू सोच ले, तो अब मैं ही सोच रही हूँ। तो गाइस, किस टॉपिक पर बनाएं। आपको पता है जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, सौरव जोशी, फ्लाइंग वी सर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, बड़े व्लॉगर्स हैं, हम जो देख रहा होता है ना, उनको लगता है अरे क्या कितना इजी है, जो कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। पर बिलीव मी, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि डेली सोचना कि आज क्या बनाएं। अब डेली सेम चीज़ तो दिखा नहीं सकते कि हम इतने बजे उठे, हमने ये खाया, हमने ये पिया, हम यहाँ गए वहाँ गए, कुछ ना कुछ नया तड़का उस डेली लाइफ रूटीन में, कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालना ही पड़ता है, और उसको सोचने में दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, बहुत क्रिएटिविटी चाहिए उस काम के लिए, और एक कंसिस्टेंसी कि डेली व्लॉग बना के डालना है। तो इसमें एक्चुअली ये लोग जो आज जिस पोजीशन पर हैं और जो ये अर्न कर रहे हैं, वो एक्चुअली वर्थ इट है और वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम डेली व्लॉगिंग में हमें चक्कर आ गया, हम बेहोश हो रहे हैं चाय बनवाई हमने स्पेशली कि चाय पिए, थोड़ा दिमाग चले तो हम टॉपिक सोचें। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज व्लॉगर्स जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, चाहे वो छोटे व्लॉगर हैं, चाहे वो बड़े व्लॉगर हैं, चाहे वो बिल्कुल न्यू हैं, चाहे वो नोन है, तो हैट्स ऑफ, मेहनत लगती है, सच में मेहनत लगती है। यूट्यूब पे काम करना आसान नहीं है, देखने वाले को लगता होगा कि कैमरा उठाया, कुछ भी बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर कुछ भी बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और अच्छा नहीं है तो लोगों को पसंद नहीं आता। तो अच्छा है तभी लोगों को पसंद आ रहा है और लोग देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मेहनत तो लगती ही है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, सोच समझ के बोलना पड़ता है, जैसा भी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, वही बातों को रिपीट कर रही हूँ। तो ऐसा भी कई बार होता है कि फिर हम रीशूट करते हैं तो ताकतवर इंसान जो है वो हिल रहे हैं बेड पे, उठ गई हैं तो मेरा क्या ऐसे ऐसे हो गया क्योंकि मैं भी हिल गई हूँ। फ्रेंड्स, चाय पी लो, बिस्किट खा लो, ऐसे ऐसे व्लॉग भी हिट हो जाते हैं। देखा आपने, चाय पी लो, उसका स्टाइल देखो, आज हम कॉपी कर रहे हैं तो उसने भी मेहनत करके कुछ सोच के बनाया होगा ना, मैं उसको कॉपी कर रही हूँ। जिस दिन थक गए होंगे ऐसे बोल रहा था, शुरू कर दिया होगा, चाय पी लो, करेल वो खा लो, पकौड़े खा लो, पकौड़े पी लो, पकौड़े खा लो, समोसे खा लो, क्योंकि दिमाग नहीं चलता होगा कि और क्या बोले। नहीं, सही बात है, ब्लॉगिंग आसान नहीं है, बिलीव मी, जो लोग ये देख रहे हैं ना, मुझे पता है मैं कैसे शूट करती हूँ। यहाँ तो बहुत बड़ा ग्रुप हो, हम दो जने कितना क्या करेंगे आपके लिए, मतलब तो बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोग, बहुत सारा दिमाग खत्म हो चुका है, मेरा भी खत्म हो चुका है, मेरा यहाँ ने खत्म कर दिया, आपका मैंने खत्म कर दिया है। तो हमारी जो है ना चाय आ गई है, तो फ्रेंड्स चाय पी लो, चाय के साथ उसमें डुबो के बिस्कुट खा लो। पार्ले जी के बिस्कुट कभी कभी ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बेटा खाता है, अन मैं खा रही हूँ जैसे वो भिगो के खाता है, इतने भी स्वाद नहीं है मगर ठीक लग रहे हैं। चलो ठीक है फिर, उनको और बोर नहीं करते आज आपको, हम पीते हैं चाय, थोड़ा लगाते हैं दिमाग कि नेक्स्ट ब्लॉग को कैसे इंटरटेनिंग बनाएं, कैसा करें जो आपको हंसा सकें। तो आज के ब्लॉग के लिए माफ़ कीजिएगा और मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में जल्दी, कुछ अच्छे से वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।